देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। एक तरफ हमारे देश में जहां महिलाओं को लेकर समानता की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो वहीं कुछ जगह और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं से भेदभाव करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मगर वो तो हमारे देश का कानून इतना अच्छा है कि किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित होने नहीं देता। कुछ ऐसा ही मामला अभी सुर्खियों में आया है। दरअसल 800 साल पुरानी प्रथा को देश की शीर्ष अदालत ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दशकों बाद अब महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत मिल गई है। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकती हैं। आखिर क्यों ये प्रथा बनाई गई थी? भगवान की आराधना करने से, लिंग के आधार पर किसी को मंदिर जाने से भला कैसे रोका जा सकता है? मंदिर में आखिर महिलाओं के प्रवेश के लिए क्यों प्रतिबंध था? आइए हम आपको बताते हैं केरल राज्य के इस सबरीमाला मंदिर का पूरा इतिहास। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर यहाँ पहुँचते हैं। सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। बाकी पूरे साल ये मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बेहद खास होता है, इसलिए उसी दिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है और सबसे ज़्यादा भक्त उसी दिन यहाँ आते हैं। भगवान अयप्पा को अयप्पन शास्ता मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। इनके दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं, उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमाला का मंदिर। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। दरअसल केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश वर्जित है। खासकर 15 साल से ऊपर की लड़कियां और महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसलिए युवा और किशोरी महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि अगर भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे इसलिए महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो उस हिसाब से तो मंदिर में उन्हीं पुरुषों को प्रवेश मिलना चाहिए था जो ब्रह्मचारी हो, मगर पुरुषों के साथ ऐसा नहीं था, उन्हें मंदिर में जाने की अभी तक छूट मिली हुई थी। केस के याचिकाकर्ता द इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सबरीमाला के भगवान अयप्पा के इस मंदिर में पिछले 800 साल से महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। याचिका में केरल सरकार, द त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और मंदिर के मुख्य पुजारी सहित डीएम को 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की मांग भी की गई थी। इस मामले में 7 नवंबर 2016 को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वो मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का के समर्थन में है। इस मामले में 7 नवंबर 2016 को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वो मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है। मगर अब सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा है कि धर्म एक है, गरिमा और पहचान भी एक ही है, अयप्पा कुछ अलग नहीं है। जो नियम जैविक और शारीरिक प्रक्रियाओं के आधार पर बने हैं वो संवैधानिक परीक्षा में पास नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुमत से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक तरफ हम औरतों की पूजा करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक कैसे लगा सकते हैं। मंदिर में महिलाओं को भी पूजा का समान अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को मंदिर में पूजा करने से रोकना उनकी गरिमा का अपमान है। सबरीमाला के रिवाज हिंदू महिलाओं के हक के खिलाफ हैं। हालांकि कुछ लोग इस फैसले से अभी भी खुश नहीं हैं, मगर कानून ने अपना काम किया और इस फैसले ने देश भर की महिलाओं को न्याय भी दिया और सम्मान भी दिया। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।